अन्नदाता कारीगरों और समाज के अन्य वर्ग के लोगों की मदद करने के मकसद से देश में सहकारी बैंकों की स्थापना की गई, लेकिन अब देश में सहकारी बैंकिंग सेक्टर के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल साल 2020 में अब तक भारतीय रिजर्व बैंक ने 44 बैंकों पर रोक लगाई है, जिससे ग्राहकों में खलबली मची हुई है। तो कहीं इन बैंकों में आपका पैसा तो नहीं फंसा है? एक रिपोर्ट देखिए। भारतीय सहकारी बैंकिंग की शुरुआत 1904 में सहकारी समिति अधिनियम के पारित होने के साथ हुई थी, लेकिन अब सहकारी बैंकों की स्थिति को लेकर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि इस साल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI 44 बैंकों को निगरानी में ले चुका है। इनमें वो बैंक भी शामिल हैं जिनकी व्यावसायिक गतिविधियों पर RBI ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही वो बैंक भी शामिल हैं जिन पर पहले से कुछ प्रतिबंध लगे थे और अब उन्हें बढ़ा दिया गया है। इन बैंकों पर रोक लगाने का मुख्य कारण था फाइनेंशियल स्थिति में गड़बड़ी और प्रूडेंशियल नियमों का पालन न करना। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के CKP सहकारी बैंक और गोवा के मापुसा शहरी सहकारी बैंक का तो लाइसेंस तक रद्द कर दिया गया है। बात अगर केवल अप्रैल महीने की करें तो 9 सहकारी बैंकों पर गाज गिर चुकी है। मई में भी 8 बैंकों पर RBI ने रोक लगाई। वहीं कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। 9 महीने बीतने के बाद भी RBI अभी तक PMC बैंक का कोई हल नहीं निकाल पाई है और भी कई सहकारी बैंक RBI की निगरानी में हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है, इन बैंकों में गड़बड़ी की जड़ कितनी गहरी है? वहीं दूसरी तरफ बैंकों की हालत खराब होने की वजह से जनता में बेचैनी भी देखने को मिल रही है। कई कमर्शियल और सहकारी बैंकों में समस्याओं की वजह से जनता परेशान है। बात अगर अक्टूबर 2019 की करें तो लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ने कहा था, देश में बैंकिंग सिस्टम बहुत मजबूत है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से सहकारी बैंकों पर गाज गिर रही है, उसके बाद देश में सहकारी बैंकों के स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठना तो लाजमी है। DB Live की रिपोर्ट।